नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि हमारी गाड़ी का पिछला वाला टायर क्यों घिस रहा है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाला हूं कि हमारी गाड़ी का पिछला टायर क्यों घिस रहा है। दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर का ज़्यादातर रियर टायर ही ज़्यादा घिसता है, यानी पिछला टायर जल्दी घिस जाता है, आगे कम घिसता है। उसके कुछ रीज़न होते हैं, उनमें पहला रीज़न है कि ज़्यादातर टू व्हीलर हैं वो रियर व्हील ड्राइव होते हैं, यानी इंजन का जो कनेक्शन होता है वो पिछले वाले टायर से होता है। जो इंजन ताकत लगाता है गाड़ी को खींचने में, वो पीछे वाले टायर से ही लगाता है, जिससे पीछे वाले टायर में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा टायर पीछे वाला ज़्यादा घिसता है। दूसरा, जो हम ब्रेक यूज़ करते हैं, तो ब्रेक भी ज़्यादातर पिछले वाले टायर के ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे ब्रेक लगाने में जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच, उससे हमारा रियर टायर जल्दी वेयर आउट होता है। तीसरा जो कारण है, वो टू व्हीलर का जो वेट है वो भी, और पैसेंजर का जो वेट है वो भी पिछले वाले टायर पे ही ज़्यादा रहता है, जिससे हमारा पिछला वाला टायर जल्दी घिस जाता है और आगे वाला टायर थोड़ा देर बाद घिसता है। बात करते हैं कार की या फोर व्हीलर की, तो उसमें उल्टा होता है, यानी हमारे जो फ्रंट व्हील हैं कार के वो जल्दी घिसते हैं। उसके लिए क्या है कि कार में ज़्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, फ्रंट में ही सस्पेंशन होता है और फ्रंट वाले व्हील से ही अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट होती है, जिससे अगर आपका सस्पेंशन ख़राब होता है या अलाइनमेंट आउट होता है तो टायर हमारा जल्दी आगे का ही घिसता है। इंजन का भी वेट ज़्यादातर आगे वाले टायरों पे ही होता है, ज़्यादा लोड आगे ही रहता है, तो आगे वाले ही टायर हमारे कार के जल्दी घिसते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों में रियर सस्पेंशन भी होता है, तो उनमें रियर अलाइनमेंट भी करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपको रियर अलाइनमेंट के बारे में देखना है, पता करना है, तो उसके लिए भी आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा गाड़ी का रियर सस्पेंशन है और रियर अलाइनमेंट भी है, और रियर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, तो हमारा रियर का टायर घिस सकता है। दूसरा, कुछ गाड़ियों में रियर व्हील ड्राइव होती हैं, जिससे थोड़ा बहुत टायर हमारा जो पिछला है वो उससे भी घिसता है, लेकिन उसमें लोड के हिसाब से टायर घिसता है, क्योंकि अलाइनमेंट तो ज़्यादातर आगे वाले टायरों से होती है, वो पीछे वाले टायरों पर जितना लोड ज़्यादा रहता है, और कुछ जो इंजन हमारा ताकत लगाता है रियर व्हील ड्राइव में, उससे थोड़ा बहुत घिस सकता है। गाड़ी में ना तो रियर व्हील ड्राइव है और ना ही रियर सस्पेंशन है और ना ही रियर अलाइनमेंट है, उसके बाद भी टायर घिस जाता है पीछे का, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उसकी वजह दोस्तों ये हो सकती है, पहला तो वैसे ये बताते हैं कि रियर टायर कार का बहुत कम घिसता है, जो लोड के हिसाब से ही थोड़ा बहुत घिसता है वो ही घिसता है, लेकिन वैसे ना तो अलाइनमेंट होती है ना कोई सस्पेंशन होता है पीछे, तो उस हिसाब से पीछे वाला टायर नहीं घिसता है। लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा है कि हमारा पीछे वाला टायर घिसता है, तो एक तो कारण ये होता है कि जैसे हम अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराते हैं, टायर रोटेशन कराते हैं, तो अच्छे वाले टायर हम ज़्यादातर आगे ही लगाते हैं और जो टायर घिस जाते हैं उनको पीछे कर देते हैं,
तो कुछ टाइम गाड़ी चलने के बाद फिर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि रियर वाले टायर हमारे कुछ ज़्यादा घिस गए हैं और आगे वाले कुछ कम घिस रहे हैं, जबकि आगे तो अलाइनमेंट भी है, सारा लोड है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है कि पीछे वाले टायर जो हमने पीछे कर दिए घिसे हुए, वो उसकी वजह से हमें ज़्यादा घिसे हुए लगने लगते हैं। दूसरा, जो आपके वास्तविक टायर अगर घिस भी रहा है तो उसका मेन कारण ये हो सकता है कि हमारा जो पीछे डेड एक्सल है या डेड एक्सल से संबंधित कोई पार्ट है वो आपका डैमेज हो गया है या बेंड हो गया है, जिससे हमारा टायर जल्दी घिसने लगता है। ये जब ही होता है तब हमारा कोई रियर टायर या रियर का जो व्हील है कहीं गड्ढे में गिर जाता है या कहीं फुटपाथ वगैरह पे गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसमें कहीं बेंड आ गया है या पीछे रियर सस्पेंशन में कुछ डैमेज हो गया है पार्ट, या फिर आपका जो रियर शॉकर है, शॉकर एब्जॉर्बर है, वो ख़राब हो गए हैं, उसके वजह से भी टायर घिस सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अगर आपकी शॉकर ख़राब है तो शॉकर चेंज करा सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट हुई है, लगी है कहीं गड्ढे में, अगर गिरी है, तो उससे जो डैमेज हुआ है वो पार्ट आप बदलवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी पीछे के टायर ना खाए। उसके अलावा आप अलाइनमेंट सेंटर पे अलाइनमेंट करवा के भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे वाले जो व्हील है उनका तो अलाइनमेंट हो जाता है लेकिन पीछे वालों का अलाइनमेंट नहीं होता। लेकिन पीछे वालों का जो टायर है हमारा, उसकी जो पोजीशन है वो पता लग जाता है कि कहाँ कितना ख़राब है, माइनस में है या प्लस में है, उससे पता लग जाता है, जिससे हमें टायर खाने का पता लग सकता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, टायर जो हमारे पीछे गाड़ी खाती है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।